नाज़ीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा नाज़ीन जब हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान का तो जो पिक्चर हमारे जहनों में आती है वो ये आती है कि बलूचिस्तान में एक अजीब सी कैफियत है बलूचिस्तान जल रहा है वहाँ पर जो आज़ादी की तहरीक है वो उसकी जड़ें मज़बूत हो चुकी हैं जोर पकड़ चुकी है और कुछ ही अरसे में ये अल्लाह ना करे लेकिन ये बातें हमारे बहरहाल सामने आ रही होती हैं फिर जब हम दूसरी तरफ़ देखते हैं तो बाद जगह ये भी कहा जाता है कि जी ये साजिशें भी हो रही हैं इसमें रॉ की फ़ंडिंग भी हो रही है और मुझे और मेरे जैसे कुछ मजीद यकीन लोगों को ये याद होगा कि आज से दो साल काबिल जब शेख में मनमोहन सिंह साहब से मुलाकात हुई थी हमारे वजीर अज़म की तो उस वक्त भी शेख में कुछ दस्तावेज़ा और कुछ सबूत पेश किए गए थे जी बलोच में इंटरफेरेंस की जा रही है भारत की जाने से वहां की दहशतगर्दी को

बारह तक लापता अफराद के छ सौ चौतीस नए केसेस सामने आ चुके हैं यानी ये पुरानों की तो बात अभी नहीं है जिनका पता नहीं चल सका है लेकिन लापता अफराद के ये जो टोटल अगर हम बात करें तो कुल तादाद इस वक्त सेवन सेवनटी टू हो चुकी है नजीन आपके याद दहानी के लिए बताती चलूं कि हुकूमत ये भी कहती रही है कि चूंकि सेवन सेवनटी टू के करीब लोग लापता हैं बलोच रहनुमाओं के मुताबिक चार सौ से जायद की अब तक लाशें मिल चुकी हैं सुबह की जाने से जो जुडिशल कमीशन को एक रिपोर्ट दी गई थी उसमें जो फिगर दिया था वो नाइन नाइनटी टू का दिया था और उसके साथ ही एक मिसिंग की एक भी एक रिपोर्ट सामने आई थी उस रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद की तादाद चौदह हजार है जिनमें से उनके पास सिर्फ चौदह सौ अफराद के मुकम्मल कवाइफ मौजूद है बहरहाल ये तस्वीर का एक रुख है इससे पहले कि मैं पैनल गेस्ट की तरफ जाऊँ उनका तारुफ कराऊँ और अपनी डिबेट का आगाज करूँ मुख्तर सी हिस्ट्री जो बलुचिस्तान ऑपरेशन की है वो यहाँ पे मैं आपसे ज़रूर चाहूंगी कि आपको आपसे भी शेयर करूँ डेफिनेटली वो हमारी डिबेट का पार्ट भी होगी तो हमारे जो गेस्ट हैं उन तक भी ये बात पहुंचेगी नजीं जो बलोचिस्तान में अब तक फ़ौजी ऑपरेशन हुए हैं ये जो उनकी तारीख है नाइनटीन में कलात के पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान हुआ इलाके पे कंट्रोल हासिल करने के लिए पहला ऑपरेशन किया गया 1958 में कल्लात में ही दूसरा ऑपरेशन हुआ ख़ान और कल्लात ने हथियार डाल दिया और ख़ुद को फौज के हवाले कर दिया जनरल अयूब खान के ही दौर में 1961 में मरी कबाल के खिलाफ बलूचिस्तान में तीसरा ऑपरेशन हुआ जुल्फ़कार अली भुटो के दौर 1973 में वजीर में वजी अला बलोचिस्तान महंगल पर आज़ाद बलोचिस्तान बनाने का इल्जाम लगा और जो चौथे फौजी ऑपरेशन का आगाज बना जो कि नाइनटीन तक जारी रहा 2006 में पांचवा ऑपरेशन जिसमें बलोच रहनुमा अहम बलोच मशहूर रहनुमा नवाब अकबर बुकटी साहब भी जहाँ बहक हुए जिसके लिए आज भी जिम्मेदार साहब को ठहराया जाता है उनकी हुकूमत को ठहराया जाता है अब मैं पैनल से जो इंट्रोडक्शन आपका करा दूं हमें इस वक्त जॉइन कर रहे हैं पी एम एल एन से उनका तल्लु है एम एन ए है लेफ्टिनेट जनरल रिटायर्ड अब्दुलिर बलोच साहब कोयटा स्टूडियो से हमारे साथ हैंकुमर बलोच साहब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस कुछ ही देर में हमें इसमाइल बुलेदी थी सा... जी जी बिल्कुल आ, आ... कादर बलो साहब आपकी आवाज़ आ रही है इसमाइल बुलेदी साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे उनका ताल्लुक है जे यू आई सैनिटर है और उसके साथ साथ एक जो शख्सियत आज हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करी है और उनसे हमने बहुत सारी बातें जाननी है कुछ तस्वीर का दूसरा रुख आप तक पहुंचाना है उनके व्यूज आप तक पहुँचाने हैं बुट्टी कबाइल के चीफ अमीर गुलाम के मीर गुलाम कादर बुगट्टी के साहबजादे मीर सरफराज बुट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है अल्लाम सरफराज बुगट्टी सरफराज बुट्टी साहब इससे पहले कि मैं आपसे बात करूँ और तस्वीर के जिस दूसरे रुख की हमने बात की है उसकी बात का आगाज करूँ मैं ये चाहूंगी कि जरा मैं आ, जो लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल बलोच साहब हैं बलोच साहब से बात का आगाज करूं बलोच साहब ये फरमाएगा कि ये हुतनी मिसिंग पर्सन पे अब काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी हेयरिंग चल रही हैं एक जुडिशल कमीशन भी बना हुआ है वजीरजम ने एक कमेटी भी बनाई हुई है इसी दौरेकूमत में आसिफ अलीस अदारी ने हाथ जोड़ के माफी भी मांगी फिर इसी दौरे हुकूमत में आगाज हु बलोचिस्तान पैकेज भी अनाउंस किया गया इतने एफर्ट्स इतनी स्ट्रगल कहीं आपको सेटिस्फैक्शन लेवल लेवल आप मीट करते हैं मेरी सैट्सफैक्शन इतनी बढ़ नहीं है जितने मिसिंग पर्सनस के लवाहकिन की सैट्सफेक्शन का ताल्लुक है असल में बेसिकली उनकी सेट्सफैक्शन की जानी है और ये जो रेस्टलेसनेस है सूबे के अंदर जो बेचैनी सी पाई जाती है जो शिकायतें हैं और जो कुछ अदालतों में चल रहा है इसके बारे में जो लिखा जा रहा है जिसके बारे में ये जो प्रजेंटेशन कर रहे हैं टाक शोज़ वगैरह में बेसिकली तो आपने वो देखना है कि इस प्रॉब्लम में कहाँ तक सेट्सफेक्शन हो चुकी है क्या कुछ किया जा सकता है मेरे ख्याल के मुताबिक अब तक जो कुछ बातें की जाती रही हैं इसमें सवाए ज़ुबानी जमा खर्च के कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उन लोगों की तसली हो जिनकी ये शिकायतें हैं कि उनके अजीज गायब किए गए हैं किसने उठाया अब तक आज तो तक तो हम कह सकते हैं ठीक है सतक तो आप ये कह रहे हैं कि जी ये सिर्फ जबानी जमा खर्च हो रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है, वहां पे जो समाते हो रही हैं जो हो जो बना हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग की है और जो प्रेशर उन्होंने डाला उसके नतीजे के तौर पर मेरे ख्याल में एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है चौदह या सत्रह आदमियों की बात की गई कि वो रिटर्न हो गए अपने घरों में पहुंच गए और फिर तादाद वहीं पर रुकी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जब उन्होंने पर हेयरिंग शुरू की मेरे में से नए नए केसेस लोग आए उन्होंने अपनी शिकायतें सुप्रीम कोर्ट के के चीफ जस्टिस साहब सामने लाया और वो अभी तक इंतजार में हैं कि शायद क्या किया जाए इसके बारे में नतीजे अच्छा, तो हो चुकी है आप इसका जिम्मेदार देखिए जी मैं जिम्मेदार किसको ठहरा हूँ जो कुछ आप लोग जो टाक शोज़ में कार्रवाई की जा रही है जो प्रिंट मीडिया में जो कुछ आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कुछ आ रहा है और जो कुछ लिखा जा रहा है उसमें तो तमाम की तमाम जिम्मेदारी ज़िवर, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर डाली जा रही है और एफ़ सी के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली जाती है कि उठाने वाले वो लोग हैं गायब करने वाले और मार के फेंकने की जो जिम्मेदारी है जो इल्ज़ाम है वह वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर लगाया जा रहा है मेरे पास कोई ज़ाती तौर पर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि क्या सही है क्या गलत है लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि हुकूमत के वक्त की ज़िम्मेदारी बन जाती है मेरी नादिया बात बात मुकम्मल करने बात मुकम्मल कर दे नादिया मिर्जा बुनियादी तौर पर पर यह हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है यह मालूम करना कि कौन ज़िम्मेदार है मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हूँ मेरा गवर्नमेंट से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे ये मालूम कर सकूँ कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोग हैं मीडिया वाले लोग हैं या किसी के से कोई सुनी सुनाई बात सुनते हैं हेयर से के ऊपर बिलीव नहीं किया जाता है लेकिन मुल्क के शहरीों की

सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इसमी ईशू पर मुझे इन्वाइट किया बलुचान के हालात ठीक नहीं है ये बल्कि आज नहीं ये एक तसलसल से ये ये हालात चले आ रहे हैं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा तीज़ी जो बुट्टी का जो वाक़ हुआ अकबर भुट्टी को शहीद किया गया वो मुशर्रफ के दौर में जो इसमें ना ज़्यादा तेज़ी से हालात ख़राब किए गए ऑपरेशन किया गया और बुकटी के लिए आपको पता है कि यहाँ से कमेटी गई थी प्रेस वाले भी थे मुशाद हुसैन भी था हमारा हुसैन भी थे जमीतल इस्लाम की तरफ से शजात हुसैन भी थे उन्होंने एग्री किया था कि जी कुछ पॉइंट पर यह जो फार्मूला है नाइन्थ ना, ना, पॉइंट है तकरीबा इस पर मैं एग्री हूँ लेकिन बलोचि के हालात यह जाना चाह रही हूँ शहर में, में जाऊँ क्या ये हालात इजाजा देते हैं इस काबिल है बलोचि नहीं मैं नहीं जा सकती में नहीं जा सकूंगा आप भी नहीं जाऊंगा बल्कि कोई बात कर रहे हैं आपका गवर्नर भी उस पर हमला हुआ वजीरा तो तो बलोचि की क्या कर रही है? की है आपको पता है कि ये तो मरक़ के हाथ में है ये रियासत मरकज़ के जो जो इदारे जो हैं वजीर दाखिला है वो तो न होने के बराबर है बाकी मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में वजीर आज़म सदर भी, भी अख्तियार है मैं, मैं समझता हूँ कि जो जिनके पास इख्तियार हैं अगर वह संजीदगी से बलोचिस्तान के मसले को ले उसको लाइटली नहीं सीरियसली ले तो वो आलात जो है ना जब आज इतने खराब हैं अगर कुछ साल पहले इसको संजीदी से ले लेते दे दो ना बलुचतान के आलात जब एक भी एक आपने कहा वजी अजम भी बेअतियार है और सदर भी बेख्तियार है तो बाख्तियार कौन है बातियार जो है ना यहाँ आर्मी है और ये जिम्मेदार भी वहां के हालात की आर्मी है आर्मी और इधारे एजेंसियां एजेंसी अगर ये चाहे तो मैं समझता हूँ कि उनसे मुझक जो लोगों के तहफात हैं जो मसुदा लाशों का मसला है मिसिंग पर्सन का मसला है अगर वो हमारा जितने पोलिटिकल फोर्स हैं, वो जाकर आर्मी से बात करें कि भाई आप उनसे बात करें हम इजाज़तें आपका मौका सामने आ गया जरा यह बात करनी है मैं इनसे आपका भी तारुक करा दूँ शायद आप जानती भी हूँ मीर सरफराज भुगति भुगति कबाल के चीफ थे मीर गुलाम कादिर भुक् उनके साथ सरफराज बुप्टी साहब मुझे बताएं कि जो मुझे समझ में आता है कि जी अभी जिस तरह से आपके सामने मैंने बुलेदी साहब से पूछा कि एक पाकिस्तानी होने के नाते भी और उस हैसियत में भी मैं बलूचिस्तान नहीं जा सकती बलूचिस्तान के हालात इनकाल ख़राब है आपका भी ता, ताल्लुक डेरा बुट्टी से ही है उसी इलाके से है उसी कबाइल कबीले से भी है आप बताएं क्या हालात हैं वहाँ के क्या मैं बहसी पाकिस्तानी वहाँ पर जा सकती हूँ कौन जिम्मेदार है ये एजेंसीज़ वहाँ पर क्या कर रही हैं आखिर तस्वीर का दूसरा रुख बात इतनी है बोले इतफाक नहीं करता कि में आप नहीं जा सकती मैं आपको दावत देता हूँ भी नहीं जा सकता वो उनकी सोच है वो नहीं जा सकते मेरी मेरा ख्याल है अभी भी रिसेंटली भी बलोचि से ही आ रहे हैं बात इतनी है कि आप लोगों पर पाकिस्तान के प्रेजेंट पर रावलपिंडी में हुए हैं कोर कमांडर पे कराची में हमला हुआ है तो इसका मतलब है कल से पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बंद हो जाए बाहर ना निकले ये पूरे पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं मैं ये नहीं कहता हूँ कि जी बलोचस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हैं 30 डिस्ट्रिक्स हैं ट्वेंटी नाइन थर्टी डिस्ट्रिक्स हैं उसमें से जस्ट फाइव डिस्ट्रिक्स में ट्रबल है बाकी बलोचस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है और बाकी पाकिस्तान से बेहतर है मैं आज आपको कह रहा हूँ और आपके तोसत से बाकी मीडिया के भाइयों को बल्कि मैं तो बुलदी साहब को भी दावा देता हूँ कि तशरीफ लाएं मेरे साथ चले मैं इनको डेरा बुकटी लेके जाऊँगा मैं इनको सुई लेके जाऊँगा वहाँ लोगों से मिलें आप आए मतलब आप ये कह रहे हैं कि, है कि बलोचि चल रहा है अनफॉर्चुनेटली ये जो मीडिया का मैं इसको मुजुर्माना गफलत कहता हूँ मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि ये हमारी पोलिटिकल लीडरशिप है या हमारा सिविल सोसाइटी है या मेन स्ट्रीम मीडिया है ये जो हमारेगी पसंद है उन लोगों के जो प्रोपेगेंडा टूल्स हैं उनसे मुतासर हैं और उनसे इन्फ्लुएंस हुए हुए हैं और वही उन और बदकिस्मती मतलब है मैं आपकी बात से यह समझूं कि मीडिया उनसे मुतासर हुआ हुआ है जो अली पसंद तहरीक है उनसे इन्फ्लुएंस्ड है और ये जैसी पॉलिटिकल पार्टी जे यू आई हो गई या नून लीग जिसके रहनुमा हैं ये भी इंफ्लुस्ड है देखिए जी जहां तक जे जू आई की बात है जे जू आई माशा जब नवाब अकबर खान बुट्टी साहब की हलाकत की बात करते हैं उस वक्त भी गवर्नमेंट में थी अब भी जे यू आई वहाँ पर गवर्नमेंट में है और जे यू आई के लोग इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने हल्कों में काम करा रहे हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं और जे का जितना वोट बैंक है वो ज्यादा बलोच इलाकों में नहीं है वो ज्यादा पश्तून इलाकों में है। और उनके बड़े हैं और वहां पर तरक्की रफ्तार अच्छा है वहाँ पर काम हो रहा है जहां तक बात करें हम बलोचिस्तान पांच डिस्ट्रिक्ट है कोलू है खोसदार है और नसीराबाद है और क्वेटा है इन 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 इलाकों में हालात वाकई थोड़े बहुत खराब हैं लेकिन उसको आप खुदा ना खस्ता ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान एक टॉफी का रैपर है उठा के फेंक दिया जी पाकिस्तान टूट जाएगा ये जरूर है कि आपने वहाँ पर जो स्टेटस को है उसको तोड़ना अच्छा, है अच्छा अच्छा जैन भर अनासर का आप जिक्र कर रहे हैं चाहे उनको अलदगी की तहरीक के चलाने वाले कहें या जो भी कहें मैं जब ब्रेक से आपसे आऊँगी तो मुझे कादिर बलोच साहब से मैं ये जानूंगी कि ये इल्ज़ाम बुलदी साहब अभी आप इसका जवाब दीजिए ब्रेक के बाद कादिर बलोच साहब से जानूंगी क्योंकि आप लेट भी आए हैं क्या आपके पास ऐसे कोई सबूत ऐसे कोई शवाहद हैं कि रॉ उसमें इन्वॉल्व है भारत वहाँ पे दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रहा है या कोई और इंटरनेशनल एजेंसी का ये एजेंडा है कि इनस्टेबिलिटी हो बलोचिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये आप उनसे पूछें कि जो इल्ज़ाम लगाते हैं जब आप किसी के अगर अपने घर का हालात अगर मुल्क में बलोचस्तान पाकिस्तान कैसा है अगर वहाँ किसी के घर में हालात सही न तो वो अगर चीखेंगे रोएंगे, तो हम वाले चलांग लगा कर कि भी मसला क्या है मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख है जो कि आदम तहफ़ आप समझें जो कि मैं समझता हूँ कि पैंसठ साल से बलोस्तान को सूतली मात जैसा सलूक बलुस्तान का जो हक हाँ था कभी नहीं मिली के साथ अभी भी पचासत के, के, के साहब बोले दी साहब आपने ये बात कैसे कह दी कि अगर वो रोएंगे चीखेंगे तो हम साए जाएंगे मतलब हम हमें अगर तकलीफ होगी तो भारत तुम्हारी मदद को आएगा ना कि दीगर सुबह भारत नहीं आप चीखेंगे ये मीडिया का दौर है तो दुनिया आपकी चीखने को अभी के जो बाला में अंडर डिबेट है आपका का मसला बात ये मसला कहां तक चला गया कौन ले गया मतलब तो, आप इस बात से इनकारी हैं या इस बात को मानते हैं इसका एतराफ करते हैं कि कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई ना कोई इन्फ्लुंस रॉका है या फंडिंग है या नहीं है नहीं तो मैं तो, इसकी बिल्कुल मैं नहीं कहता हूं क्योंकि पढ़ेंगे ये खुद ही लोगों पर जो जुल्म हुआ है लोग इसमें मायूस हो गए वो पहाड़ों में गए कुछ मुल्क से बाहर हैं

है कि exactly वो तो जब, जो जब बुक्टी साहब का कत्ल हुआ उसके बाद हालात संगीन से संगीन होते चले गए उनका भी जब इंटरव्यू किया गया था बलोचिस्तान के बारे में आज भी वो अपना मौका क्या रखते हैं किस तरह से डिफेंड करते हैं ब्रेक से वापस आएंगे वो क्लिप भी देखेंगे फिर कादिर बल्लो साहब से मजीद बात करेंगे स्टेव जी ना वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब और ब्रेक पे जाने से कबल एक सवाल भी मैंने छोड़ा था जो कि हमें पूछना है सबक लेफ्ट जनरल अब्दुल क्यूम साहब से बलोच साहब से माफ़ कीजिएगा लेकिन जो प्रोग्राम से पहले जाते जाते मैंने कहा था कि जब मुशरफ साहब का इंटरव्यू किया क्योंकि मुशरफ आपको सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है जो आज बलोचिस्तान के हालात हैं बलोचिस्तान के हालात क्या हैं ये इस पर ही हम अभी बात मजीद बात कर रहे हैं तस्वीर का नया रुख

तलाल बुख्ती वो है जो अपनी ट्राइब में बिल्कुल अनपॉपुलर है तो हम क्या बात कर रहे हैं ठीक है ये शाहजैन बुकती बरहदा बुख्ती बाहर बैठे में क्यों बाहर बैठे में क्यों नहीं आ जाते बुख्ती के उधर जाए ना टेरा उधर आप लोग इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग स्टडी करें जरा बलूचिस्तान को बलूचिस्तान एक सेकेंड बुकती ट्राइब का पता है सबसे बड़ा सब ट्राइब कौन सा है कल्पर सब ट्राइब है ठीक है जी सत्तर हजार लोग हैं और टोटल बुकती जो है वो कोई दो ढाई लाख है सत्तर हजार कल्पन हैं उसमें साठ सत्तर हजार उनको बुगती साहब नवाब बुगती साहब ने मार के उसके जो खान मोहम्मद कलपड़ है जो उनका लीडर था वडेरा उसके बेटों को सबको कत्ल कर दिया गया था वो सारे सत्तर हजार लोग सुई से निकाल के पंजाब और सिंध में बैठे हुए थे उनको कौन लेकर आया वापस हम लेकर आए ले उन्हें वापस ठीक है जी वो मेरे खिलाफ़ होंगे क्या वो आपके ख्याल में मेरे खिलाफ दूसरी चीज़ बलूचिस्तान में साठ फीसद लोग पख्तून और ब्राहवी स्पीकिंग बलोच हैं, ठीक है जी वो सब स्ट्रांगली प्रो पाकिस्तान है बाकी ट्राइब में 150 से एक ट्राइब्स हैं वहाँ ठीक है जी ये पता है क्या आप लोगों को उनमें से ये बुगती या मरी और मैंगल जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ये पॉइंट अशारिया दो फ़ीसद हैं पाकिस्तान के नजर आपने जाना ये क्लिप और आपने देखा ये क्लिप और उसके साथ साथ आपने जाने हैं सहायक सदर पर मुशरफ़ के वो व्यालत और जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया कि वहाँ की ये सूरत हाल एग्जैक्टली ये है मीडिया पे गलत तरीके से पोट्रेट किया जा रहा है या मीडिया इसको कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड कर रहा है यही बात मैं सरफराज भुगति साहब से भी बात करूंगी क्योंकि उनका ताल्लुक भी उसी भुगती ट्राइब से लेकिन ज़रा मैं बात कर लूँ पहले कादर बल्लो साहब से कादर बलो सदर बल्लो साहब कितना कितने परसेंट अग्री करते हैं आप मुशरफ साहब की इन बातों से अगर पोलिटिकली इन्वॉल्वमेंट के बगैर प्लीज़ अगर आप बता सकें मुझे मैं नादिया पॉलिटिकल इन्वालमेंट बिल्कुल जब मैं बलूचिस्तान के ऊपर बात करता हूं तो मेरे पार्टी का व्यू पॉइंट इसमें नहीं होता है मैं इंडिपेंडेंटली बलोचिस्तानी के होने के नाते एक बलोच होने के नाते मैं बात करता हूं इसमें मेरे पार्टी का इनपुट है सच नहीं है और जहाँ ज़्यादातर मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ सियासी राय नहीं देता हूँ अभी मेरे बरखुरदार सरफराज भुगटी साहब बात कर रहे थे इनके वालद मोहतरम हमारे अच्छे जानने वाले हैं और ये हमारे बच्चों की तरह है और उन्होंने कहा कि बाहर बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो उन्होंने कहा जी पांच ज़िले हैं तो मैं उनको बताना ये चाहूँगा मैं ज़िलों के नाम लूँगा ये टोटल उन्नीस ज़िले हैं खारान वाशुक पंजगूर तुरबत गवादर नोशकी दालबंदन कोलू डेराब्टी कोयटा सिब्बी कलात खुजदार अवारान मस्तुंग बारखान बोलान ये सब के सब ये उन्नीस जिले हैं इन उन्नीस ज़िलों के अंदर सरफराज भुगटी जैसा एक मोतबर आदमी या उनके वालद मोहतरम या मेरे जैसा आदमी बग़ैर हथियार के बग़ैर गार्ड के अगर चल के बताए तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं सरफराज भुगटी साहब से ये पूछा जाए कि उनके वालद मोहतरम या वो खुद बग़ैर एफ सी के गार्ड के और बग़ैर अपने ताती मुहाफ़्ज़ों के क्या डेरा बुगटी के अंदर मूव कर सकते हैं उनकी किसी किस्म की कोई दुश्मनी ऐस किसी से नहीं है सवाल इसके कि इस वक्त हुकूमत से चूँकि ताउन कर रहे हैं तो उन गार्ड्स की ज़रूरत उनको इसलिए पड़ी पड़ रही है क्योंकि उनके मुखालफिन सियासी मुखालफिन हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो लहाा वो जो बात उन्होंने की है तो वो वहां पर एफ सी का मुकमल कंट्रोल है उस इलाके में जो भी मूवमेंट की जाती है वो वो हमें ले जा सकते हैं आपको ले जा सकते हैं आपके ऊपर किसी किस्म की कोई गजन नहीं आएगी ये बात मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ परवेज मुशरफ साहब का मुझे बड़ा दुख हुआ मेरे कमांडर हैं मेरे कमांडर इन चीफ रहे हैं मैंने उनके नीचे मैं दुख है मुझे इस बात का कि आज तक आप लोग बुगटी को बुगटी नहीं कह सकते हो भुगटी कहते हो पहली बात बलूचिस्तान को बलूचिस्तान नहीं करते हो बलूचिस्तान कहते हो दूसरी बात तीसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि बलोचिस्तान का एक मेन हिस्सा पश्तून और बराबरी पे मुशर है पश्तून बलूचिस्तान का कभी हिस्सा नहीं है उनका अपना इलाका है टोटली सेपरेट है उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम अगर वो उसके वो वो, उन्होंने कभी ना शिकायत की है ना हुकूमत को उनसे कभी भी उन्नीस सौ सैंतालीस से लेकर आज तक कोई शिकायत रही है वो सेटल्ड है अपने इलाके में खुश हैं किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पॉइंट पर मैं एग्री करता हूँ रह गया जहाँ तक ब्रावी और बलोच का ताल्लुक ये इनकी जहनी इख्तरा है मेंगल जिसको ये कह रहे हैं कि मेंगल और बुकटी मेंगल ब्रावी स्पीकिंग आदमी है ठीक है इस वक्त जो सबसे ज्यादा जहाँ पर आग लगी हुई है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये टोटल ब्रावी स्पीकिंग के एरिया में है

और वहां पर मेरी कुछ मुलाकातें थी कुछ दोस्तों से और और, एफसी की और मैं साथ एफसी और में मैं मैं विदाउट एफसी सिक्योरिटी पूरे में फिरता चैलेंज करता हूँ विदाउट एफसी सिक्योरिटी फिरता हूं, हूं यस yes, अपने गनमैन साथ होते हैं वो आज से नहीं है वो इसलिए है कि देखिए बीबी एक बात है कि जो लोग वायलेंस पे उतर रहे हैं जो लोग वायलेंस पे उतर रहे हैं जो ये समझते हैं देखे देखिए जी बगैर गनमैन के मैं अपने घर में बेकड़ में मैं बगैर गनमैन के आपको पता है फिरता हूं लेकिन बात यह है कि, कि इसलिए रखता हूं कि मैंने तो पाकिस्तान का देखे जल साहब जल साहब प्लीज लेट मी कंप्लीट लेट मी कंप्लीट सर देखे जल साहब बात इतनी है कि आजकल एलिजिबल हो गया हूं मैं कत्ल करने के लिए क्योंकि मैंने पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है अगर मैं पाकिस्तानियत की बात करता हूँ मैं पाकिस्तानियत की बात करता हूं तो मैं एलिजिबल मुझे सेपरेटिस्ट तो 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 जो है वो लोग लो क्या ये काफी होता है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान की बात करता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है क्या ये क्या ये मुनासिब बात दूसरी बात इन्होंने की जो बाकी डिस्ट्रिक्ट मुझे गिनवाए मैं आपको बता रहा हूँ कि डेरा डेराबुक्टी के दावे से ये कहते हो आप हुकूमती स्टेटिस्टिक्स ले ले कि बारखान में फॉर लास्ट थ्री ईयर्स कोई धमाका हुआ है आप बाकी जगहों पर स्टेटस ले ले गवादर में कोई वाक्य हुआ है मैंने तो नहीं सुना फॉर लास्ट Yes, दो मतलब के वोचिस्तान में होता है सत्तर के कबाल जो निकले थे वो नवाज शरीफ साहब ने फोर्स उनको बाहर निकाला था माइग्रेट कराया था नवाज शरीफ साहब वॉज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम फिर एक और बात बुलेदी साहब ने लास्ट सेशन में जी वो बुकटी साहब की हलाकत के बाद वाकयात खराब हुए आप अभी भी जाकर रिकॉर्ड चेक कर ले बुकटी साहब की हलाकत के बाद तो वाकयात मामले पे पे आ गए थे 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 की से पहले जब जनरल अब्दुल बलोच बलोच साहब साहब कोर कमांडर थे, हमारे एक एक उस सब सब पे होते थे। उस वक्त वक्त सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रिक धमाके होते जो आ, 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 थी सुई में एक रात में सौ रॉकेट सुई, पे स... भी से जी, सु, लाएं सुई में पाइपलाइंस भी फायर किए गए थे फिर जो वो टीम गई थी जिसमें ये हिस्सा थे जो वहाँ पे डायलॉग हुआ था नवाब साहब के साथ एक मेमोरेंडम साइन हुआ था चौधरी शुजात साहब और मुशाहिद हुसैन साहब गए थे जो लीड कर रहे थे उस मेमोरेंडम को वॉयलेट किया था नवाब अकबर खान ने उस मेमोरेंडम को वॉयलेट स्टेट ने नहीं किया था फेडरेशन ने नहीं किया था उस मेमोरेंडम में ये भी बड़ी बदकिस्मती है इस कौम को शायद नहीं पता होगा कि उस मेमोरेंडम में कहीं ये भी एग्री हुआ था कि जी यहाँ पर एफ की कोई पोस्ट है।

वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब और हमारे सामने बलोचि की सूरत हाल को लेकर दो परस्पेक्टिव सामने आ रहे हैं एक दो शख्सियात का दावा यह है कि बलोचिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि वहाँ पर आसानी से जाया जा सके या यहाँ पर एजेंसी की सिक्योरिटी के बगैर जाया जा सके लेकिन एक शख्सियत मेरे साथ ऐसे बैठे हैं जो कि आज भी दावा कर रहे हैं कि वो भी बलोचिस्तान जाते हैं वहां पर ऐसे कुछ हालात नहीं है और इनके शायद अपनी एफिलेशन भी पीपल्स पार्टी से ही है लेकिन बहरहाल परी मुशरफ के जो दौर को जिसका कहा जाता है कि जी उन्होंने बलोचिस्तान के हालात में जलती पे तेल का काम किया था उसको आज ये सपोर्ट करने पर मजबूर है मैं आपके पास फिगर के पास दोबारा आऊँगी ब्रेक पे से बात करें कि आप इनकी तमाम बातों से अग्री करते हैं आप वहाँ की ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं वहाँ पे आप लोगों की बताएं कि कितनी की कितनी बातें इनकी सच है ये हमारे दोस्त हैं काबिल एहतराम मैं समझता हूँ कि ये इसलिए इस हद तक वकालत कर रहे हैं वो फौजी हुकूमत की मुझे अफसोस है मशरफ की इसकी एक वजह यह है कि जब मशर्र बुगटी को हालांकि बुगटी पूरे बलोस्तान में जब बुगटी का वाक्य हुआ इतना लाश हुआ डेमेज हुआ पूरे बलिस्तान में तीस डिस्ट्रिक्ट में आप वो कहते हैं कि डेरे बुगटी में हड़ताल नहीं हुई डेरे बुगटी में जब जितने उनके बुगटी थे अकबर बुगटी के उसके किले को मिसबार किया गया उनको जब वहाँ से हटाया गया तो जो बाहर के कल्फर थे उनको इनके इनसे शायद इनकी हमदर्दियाँ आएं उनको जब सत्तर हज़ार पचास हज़ार थे उनको लाया गया ताकि बुगटी को अल्टरनेट वहाँ कौम को आबाद किया जाए लेकिन मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ ने ये बिल्कुल उसने माना था वो जो बुट्टी ने डायलाग किया था उसमें जो माहे हुए थे उसमें सैन हुआ था मुशात हुसैन हाफ हुसैन अहमद और सारे गए थे और उसमें उन्होंने कहा था जी मैं मुझे कोई एतराज नहीं मैं पाकिस्तान काम ही हूँ वो वजीरा भी रह चुके थे वो वाकी मिनिस्टर भी रह चुके थे चले, छः के छह करना जो डिफरेंट है कलपर है शंबानी है पेरोजानी है मसूरीज हैं वो तमाम के तमाम मोदरानी चीफ हैं सब इस वक्त भी डेरा बुक बैठे एंड एंड दे दे ऑल वांट टू लिव विद पाकिस्तान आर एज एज बाकी है। तो, मुझे आप बात करनी थी मेरी बारी मैंने आपका कोई इंटरफेयर नहीं किया मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि ओवरऑल बलुस्तान के जो वो कह रहे हैं कि जी ग्वादर तो पंजूर वगैरह जो कादरस बलोच ने कहा यकीन उन्नीस डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में इपसी को हटा दें आर्मी वहां लगाए इफ्सी लगाए इफ्सी के बगैर वो ये घूम नहीं सकता है। और ये खुद तो भी पावर इसलिए नहीं करता हूं किसी को पता ना हो लेकिन अपना घाट होगा उसका ये खोख मैं वारास में जाएगा इस तरह नहीं मुझे मुझे पहले ये बताए कि मुझे बताए बुनियादी एहसास महरूमी आज बलोच भाईयों में क्या है क्या मुझ... नहीं हुआ उसमें यह है कि बलुचिस्तान का जो खुद मुख्तारी है बलोचस्तान का जो एक पाकिस्तान का चार सूबों का जो है हम भी पाकिस्तान के मानने वाले हैं हम कहते हैं पाकिस्तान में रहते हुए अपना हक वसूल करें जमीयत वफाक की जमायत है हम दे ना। लेकिन मैं समझता मैं समझ हूँ के बलुचान को किसी भी फील्ड में किसी भी मद में हर जगह बलोच सबसे पहले वो तरक्याती काम को तो छोड़े आप जो है ना दूसरे मुल्कों का दूसरे जो सूबे हैं उनको देखें लेकिन हमारे यहां जो तरक्याती ग्वादर पोर्ट को ले लें बारह साल पंद्रह साल से मेरा से वो पोर्ट बनाया गया है लेकिन आज तक उसको अभी तक किसने दस... बनाया था वो पोर्ट जी किसने बनाया था वो तो मुशरम ने बनाया था ये तो मैं मानता हूं मुशरम ने बनाया था लेकिन बात यह कि पैसे हमारे थे वो तो हुत था अपनी जेब से तो नहीं ले नहीं लेकिन बात यह वो तो ठीक है वो हमारा हक था लेकिन इसका मानना ये नहीं कि आप मिसिंग मिसिंग पर्सन पर्सन का 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 जो मसला है। मिसिंग मसल मसला। वो बात की बात है। आप आप आपके जिंदगी गुजार रहे मैं समझता हूं चीफ जस्टिस कई पीशिया की वो कहते हैं कि जी अभी उसने उसके अपने अलफाजे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी होना पड़ेगा इसके अल्फाज है बलोचि वोजा... के हालात इंतहाई खराब है जो सबसे ज्यादा जो इशू है वो मस्त शुदा लाशें वहां से मिलती हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े तहफा का इजहार किया बहुत सारी बातें हुई प्लस मिसिंग पर्सन का केस आप बताएगा कि इस वक्त आप खुद भी बलूचिस्तान में मौजूद है कादर बल्लो साहब मुझे बताएगा कि इनके हल की तरफ आने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा क्या ये जो सेपरेस्ट है जो तहरीक आजादी की तहरीक चला रहे हैं क्या ये रमान मलिक ने पिछले दिनों ने ये भी देखा कि ये भी कहा कि आइए जी हमसे बात कीजिए हम हथियार छोड़ दीजिए पिछले जितने भी आपके ऊपर जराइम थे जो जो आपके ऊपर इल्जामा थे जो जो सजाएं भी थी वो भी सब हम माफ करते हैं तो फिर क्या ये लोग मेज पे बात करने के लिए मुत के लिए तैयार है या उस तैयारी नहीं है अब कोई बात ही नहीं होगी सिवाय लड़की के बीबी नादिया मैं आपको बड़ा फैन हूँ और मैं तो ये एक्सपेक्ट करता था कम से कम आप जिस वक्त एक सवाल करते हो मेहरबानी करके उसका मुकम्मल जवाब सुन लिया करें और आ ये बातें हमारी जो हमारे जवाब है ये आपके समझ के लिए नहीं है ये ऑडियंस की समझ के लिए है और हमारा ऑडियंस इतना नॉलेजेबल नहीं है जितना आप जितने नॉलेजेबल आप हैं वो इन चीजों को इतनी आसानी से कम्प्रीहड नहीं कर सकते हैं हम लोग गलत पैराए में कन्वे हो जाते हैं ठीक है तो आप मेहरबानी करके मुझे अपना घड़ी देख के दो मिनट के लिए मुझे मुकम्मल कम अज कम बात करने दीजिए आप मुझे एक घंटे के लिए बताया मेरा साढ़े तीन मिनट से ऊपर नहीं होगा तो आई विल आई विल टेक यू लुक एट योर वॉच एंड देन इट ये जो हमारे बरखुरदार ने सरफराज ने बात की कि जी फल जगह में कुछ भी नहीं हुआ तीन साल में बिल्कुल कई बेशुमार जिले जिनके मैंने नाम लिया वहां पर कुछ भी हुआ लेकिन वहां पर स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है फियर है खौफ है और खौफ यह है कि वहां पर ये जो मुजामत कार हैं वो फ्रीली जो भी जी चाहता है उनकी कार्रवाई करते हैं दूसरी बात उन्होंने की कि जी अब मेरा कसूर कसूरी है इसलिए मैं गाड़ लेता हूँ क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ यस ये बात आपने की है आज़ादी की तारीख चल रही है वो टारगेट कर रहे हैं इन लोगों को क्यों कर रहे हैं क्यों इस महज पे लोग बा, बातें पहुंच चुकी है जहां पर आजादी की बात की जाए उसके बैकग्राउंड में जाने की रिक्वायरमेंट है परवेज मुशरफ साहब ने कहा कि सत्तर हजार कल पर उसने वापस लिए मैं चैलेंज करता हूं पूरे पाकिस्तान को अगर वो मुझे बता दे कि पाँच हज़ार कल पर वापस आए कल पर वहीं पर रह रहे थे खान मोहम्मद कल पर जो था उनका सरदार था उनका उन, उनका वडेरा था वो बड़ा था उनका उसके नवाब अकबर खान भुग्टी से अख्तलाफा थे उनकी फैमिली बमे उनके सपोर्टर्स के चार पाँच हज़ार आदमी ऑफकोर्स गए हुए थे वो पहले वो ले जाए गए थे वहाँ पर मरदान में उसके बाद वो पिंडी में आए आज भी मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे तक पिंडी का जो बापड़ा रेस्ट हाउस था सॉरी वो अपना ये रावल डैम वाला रेस्ट हाउस उनके डिस्पोजल में था उसके बाद फिर इनको मुल्तान लाया गया वो तादाद सत्तर हज़ार की नहीं है जो परवेज मुशरफ साहब कहते हैं कि उन्होंने सत्तर हज़ार निकाल दिया तो मैंने सत्तर हज़ार वापस लाया दैस इज नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं कि जी चार सौ राकेट वहाँ पर फायर किए गए चार सौ राकेट उनसे ये पूछ लीजिए किस वक्त फायर किए गए हजार पांच से शाजिया खालिद केस से पहले बलुस्तान में क्या मसला था किसी किस्म का कोई नहीं, तो नहीं सवाल मैं, 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 पूछा ना फिर यही है आप नहीं यूर वॉच प्लीज मैंने आप प्रॉमिस किया था कि दो मिनट आप भूज देंगे फिर यहीं पर बेचैनी आप लोग उनकी आ जाती है ना फिर हम जवाब क्या दे पाएड तमाम तमाम नहीं तो फिर यही है ना आप लोग ऐड ऐड अपने चलाएं फिर छोड़ दें हम लोगों को क्यों बुलाते हो पर अपने ऐड चलाया करें बस ठीक है आप पूछ लो जो मर्जी है आप लोगों की हमें तो बात मुकम्मल करने देते नहीं वो यहाँ पर मैं हम भरोसा प्लीज प्लीज आप बात मुकम्मल कीजिएगा आप प्लीज बात मुकम्मल कीजिए मैं मैं बात बात मुकम्मल आप करने जो नहीं दे रही है ना मुसीबत ये है

देखिए जी एक लास्ट जी, देखे जी ये जो है, जो अलहदगी पसंद है वो इनोसेंट पंजाबियों को सेटलर्स बना के कत्ल करें फिर इसी तरह इनोसेंट बलोचों को कत्ल करें उसको ना पोलिटिकल लीडरशिप कंडेम करती है ना उसको सिविल सोसाइटी कंडेम करती है ना उनको और लोग कंडेम करते हैं ना करता न, तो है आपको कादिर बलोच साहब से कहें या बुलदी साहब से कहें कि उनको कंडेम करें कि जो जो इनोसेंट सेटलर्स कतल हुए देखो करते नहीं, करते नहीं, करते नहीं, नहीं ये, ये, ये तो सब इसको हम करते हैं कि ये लेकिन इसकी रिएक्शन है

जो आज जिस बात पे डिबेट कर रहे हैं वो थोड़ी तो मजीद ओपनली हमारे सामने आए उसके मजीद उसका एक्सपोजर भी जरूरी है फिलहाल दीजिए प्रोग्राम है जवाब से नादे मिर्जा को जहाज हाफि